तो दोस्तों आप आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाते समय ऑल सेलेक्ट जरूर कर लें। दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं। धन्यवाद। एक समय की बात है, एक गांव में एक रोहन नाम का व्यक्ति रहता था। रोहन की शादी उर्मिला नाम की लड़की के साथ हुई थी। उर्मिला और रोहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एक दिन रोहन उर्मिला से बोलता है, ओ मेरी प्यारी जान, तुम्हें पता है कल मेरा बर्थडे है। हाँ जी, इस पल को मैं कैसे भूल सकती हूँ। मुझे पूरा का पूरा याद है कि कल आपका बर्थडे है। हाँ तो शॉपिंग नहीं करोगी तुम? हाँ जी शॉपिंग तो करूँगी, परंतु ये तो बताइए कि आपके बर्थडे में कौन कौन आ रहा है। अरे यार कोई आ तो नहीं रहा है, लेकिन मेरा दोस्त सुनील भी आ रहा है। क्या सुनील जी भी आ रहा है? हाँ मेरी प्यारी जान, सुनील मेरा दोस्त भी आएगा। जब इस बात को उर्मिला सुनती है कि बर्थडे में सुनील भी आएगा, तो उर्मिला बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उर्मिला सुनील को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। अगले दिन जब सुनील आता है तो उर्मिला उसे देख कर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और भाभी जी कैसी हैं आप? जी देवर जी मैं तो अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ, और क्या चल रहा है? बस देवर जी क्या चलेगा, आज तो पता ही है आपके दोस्त का बर्थडे है। हाँ हाँ वो तो है। ओ मेरे दोस्त, केवल आपस में ही बात करोगे, मेरा बर्थडे विश नहीं करोगे मुझे? अरे यार सॉरी यार, हैप्पी बर्थडे दोस्त। हाँ हाँ थैंक यू। बर्थडे के दिन सुनील रोहन को बहुत ज्यादा ड्रिंक कराता है, जिसके कारण से वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद सुनील उसकी पत्नी उर्मिला के पास जाता है। और मेरी जाने मन कैसी हो, तुम्हारे पति देव तो ड्रिंक करके सो गए, चलो एंजॉय करते हैं। क्या सच में? हाँ यार, मैं क्या कभी झूठ बोलता हूँ? नहीं जी, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। और इस तरह वो दोनों एंजॉय करने लगते हैं। अगले दिन जब सुनील उठता है तो सोचता है, अरे यार ये मुझसे क्या हो गया, मुझे तो अपने पत्नी के साथ टाइम एक्सपेंड करना था, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया, मुझे अपनी पत्नी से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और ये कहकर रोहन अपनी पत्नी उर्मिला के पास जाता है और जाकर बोलता है, उर्मिला मुझे माफ़ कर दो यार, मैंने बर्थडे पार्टी पूरा ख़राब कर दिया, मैं नशे में बेहोश हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं जी, आपका बर्थडे था, आपने इंजॉय कर लिया, मतलब मैं भी इंजॉय कर ली। सच में उर्मिला तुम बहुत ही अच्छी हो। अच्छे तो आप भी हैं। और इस तरह अब सुनील रोजाना उर्मिला से मिलने आने लगता है। धीरे धीरे अब रोहन को भी शक होने लगता है कि मेरी बीबी उर्मिला और सुनील के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है, परंतु ये साबित कैसे करे रोहन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन रोहन प्लान करता है, उर्मिला ओए उर्मिला जरा यहाँ सुनना। तभी उर्मिला रोहन के पास आती है। हाँ जी बोलिए। उर्मिला मुझे ऑफिस के काम से कुछ दिन के लिए बाहर जाना होगा, तो तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है जी, आप ध्यान से जाइएगा। हाँ हाँ मैं ध्यान से ही जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि मैं एक हफ्ते में लौट आऊं। ठीक है जी। और सुनो, अगर जो कोई परेशानी हो तो सुनील को बुला लेना। ठीक है जी। और ये कहकर रोहन ऑफिस के काम के लिए बाहर चला जाता है। तभी अगले दिन सुनील उसके घर आता है। और क्या बात है मेरी जाने मन, अपने पति को तो आपने भेज दिया ऑफिस के काम के लिए, अब चलो हम दोनों इंजॉय करते हैं। हाँ सुनील, इस बात का तो मुझे बेसब्री से इंतजार था कि हम लोग कब एक दूसरे के साथ काफी समय तक रहेंगे। हाँ तो चलो अब इंजॉय कर लेते हैं। और ये कहकर सुनील उर्मिला आपस में इंजॉय करने ही वाले होते हैं, तभी अचानक से रोहन आ जाता है। रोहन को देखकर सुनील बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बोलने लगता है, अरे मेरे दोस्त तू कब आया? देख तेरे से तो बाद में बात करूँगा, पहले तू बता उर्मिला कब से चल रहा है ये सब? देखिए जी, आपने जो देखा वो बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कब से चल रहा है, सच सच बताओ। रोहन जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। बकवास करना बंद करो, पहले ये बताओ कितने दिन से चल रहा है ये सब? जी ये आपके बर्थडे के दिन से। ओ तो मेरे बर्थडे के दिन से ये सब चीज चल रहा है, और मेरे पीठ पीछे,
मतलब बर्थडे के दिन अब दोस्तों को भी बुलाना गुनाह है। और तू सुनील, तेरे पे तो मैं बहुत ज़्यादा भरोसा करता था, तुझे मैं अपना छोटा भाई मानता था, और तू मेरे साथ ऐसा गलत काम करेगा मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। दोनों के दोनों अभी मेरे आँख के सामने से हट जाओ, मैं तुम दोनों की शक्ल तक नहीं देखना चाहता। और ये कहकर रोहन उन दोनों को घर से निकाल देता है। तो दोस्तों, किसकी गलती थी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जो स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते समय घंटी भी ज़रूर दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें।